एनपीए को लेकर बैंकों का ढुलमुल रवैया अब नहीं चलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों में बढ़ते एनपीए से निपटने के लिए सख्त कदम उठाया है। आरबीआई ने बैड लोन रेजोल्यूशन के लिए नियम कड़े करते हुए बड़े एनपीए निपटाने के लिए समय सीमा तय कर दी है। इसके तहत बैंकों को इन खातों को दिवालिया कार्रवाई के तौर पर मानना अनिवार्य हो जाएगा और ये जो प्रोसेस है रेजोल्यूशन प्रोसेस ये स्पीड अप होता हुआ नजर आएगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की दिक्कत बढ़ सकती है, प्रोविजनिंग हो सकता है एक्स्ट्रा करनी पड़े। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंकों के बढ़ते एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर आरबीआई अब सख्त हो गया है। आरबीआई ने बैड लोन रेजोल्यूशन के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। इसके साथ ही बड़े एनपीए निपटाने के लिए समय सीमा तय कर दी है। बैंकों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन डिफॉल्टर्स का कर्ज 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है उनके डेटा बैंक हर शुक्रवार को आरबीआई के साथ शेयर करें। आरबीआई ने कर्ज सुलझाने की पुरानी स्कीमों को खत्म कर दिया है। आरबीआई के नए निर्देशों के मुताबिक अगर कोई कंपनी दिवालिया हो चुकी है तो 180 दिन के अंदर उसे बंद करने का फैसला भी लिया जा सकता है। इसके अलावा आरबीआई ने 12 बैंकरप्सी खातों की भी पहचान की है जिन पर देश के सभी बैंकों का करीब 25% एनपीए है। इन 12 खातों पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि भारतीय बैंकों में इस वक्त करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज फंसा है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास सबसे ज्यादा डिफॉल्ट खाताधारक हैं। 1,86,000 करोड़ से ज्यादा का एनपीए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर है, जबकि करीब 57,000 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया को करीब 49,000 करोड़ रुपए अपने कर्ज धारकों से वसूलना है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर करीब 46,000 करोड़, केनरा बैंक पर करीब 39,000 करोड़ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का करीब 38,000 करोड़ का कर्ज फंसा हुआ है। एनपीए के मामले में प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की हालत पब्लिक सेक्टर के बैंकों से थोड़ी बेहतर है। इनमें आईसीआईसीआई बैंक का सबसे ज्यादा एनपीए है जो कि करीब 44,000 करोड़ है, एक्सिस बैंक का करीब 22,000 करोड़, एचडीएफसी बैंक का करीब 7,000 करोड़ और जम्मू एंड कश्मीर बैंक का करीब 6,000 करोड़ रुपया एनपीए के तौर पर फंसा हुआ है।